अरे इस तरह कब तक चुप रहेंगे भांजी, कुछ तो बोलिए। मामू जान, मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता और जब तक मैं बाबरा का दिल नहीं जीत लेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर आपकी अम्मी को कैसे समझाए? आपकी अम्मी का आज फोन आया था, कह रही थी तुम दोनों फौरन वापस आ जाओ। आप तो अपनी अम्मी के मिजाज से वाकिफ हैं कि उनके हुक्म ना मानने पर वो कितना खफा होती है। मैं जानता हूँ मामू जान, लेकिन कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रहने का कुछ और वक्त मिल जाए। कसम गुजरे दिनों की, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको जिंदगी भर यहाँ रोक लेता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी अम्मी से मैं क्या बहाना करूंगा आपके रोकने का। एक आइडिया है, जल्दी बताओ बेटा, ताकि हम उस पर अमल करें। मामू जान, सोहेल भाई साहब अम्मी जान के बहुत अच्छे दोस्तों में से। हाँ वो तो है। तो हमें अपनी परेशानी लेकर सोहेल भाई साहब के पास जाना चाहिए। फिर अगर सोहेल साहब ने हमारी बात मान ली तो अम्मी को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना लेंगे और अम्मी उनकी बात टाल ही नहीं सकती। अरे कसम गुजरे दिनों की, भांजे क्या दिमाग पाया है। हमें फौरन सोहेल साहब से मिलना चाहिए। चलो। कहो मोइन, क्या बात है? सोहेल भाई, अब मैं क्या कहूँ? मनोजन, आप ही कुछ कहिए। चलिए आप ही बताइए। बात दरअसल ये है, मैं क्या बताऊं? हाँ हाँ कहिए, शर्माइए मत, मैं कोई गैर नहीं हूँ। वो ऐसा है कि बाजी ने हम दोनों को दिल्ली वापस बुलाया है। तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है। मगर मोइन मियां अभी दिल्ली जाना नहीं चाहते। क्यों? अब कैसे कहूँ आपसे? मिर्जा साहब, अगर आप कहेंगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि मोइन मियां जो है यहाँ किसी को दिल दे बैठे। अभी इनकी मोहब्बत जो है तो कामयाब नहीं हुई है, इस वास्ते कुछ दिन ये बॉम्बे में रहना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अरे भाई, तो इसमें घबराने की क्या बात है? मोइन मियां, जवानी में हर मर्द इसी रास्ते से गुजरता है। कहो, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मोइन की वालदा से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और वो आपकी बात नहीं टालेंगी। आप कोई बहाना करके कुछ दिनों के लिए बॉम्बे में रहने की मोहलत दिला दें। कसम गुजरे दिनों की, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन मिर्जा साहब, मैं क्या बहाना करूंगा उनसे? सोहेल भाई, हम आपके पास बड़ी आस लेकर आए हैं, प्लीज कुछ तो कीजिए। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन वो खुशकिस्मत लड़की है कौन? अरे, इश्क कामयाब होते ही मैं उस लड़की का नाम भी आपको बता दूंगा। चलो ये भी ठीक। रमेश, अली यावर की गुजरी हुई जिंदगी को मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है। उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है नासिर। वो उसका रिश्तेदार है। अब नासिर के साथ अली का क्या रिश्ता है और वो कहाँ रहता है और अली के कैसे ताल्लुकात है नासिर के साथ, ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, रिजवी स्पीकिंग। आप बोलते हैं बहुत। जी, बोलना थोड़ा कम कीजिए, वरना आप जैसे लोगों की बोलती बंद करना मुझे अच्छी तरह से आता है। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी बोलती बंद करने वाला कौन बोल रहा है? मेरा मतलब है आपकी तारीफ। चौधरी हिकमत यार जंग। ओ, आपके इस ओ का मतलब मैं पूछ सकता हूं? आपने मुझे मामूली समझ कर ओ कहा या डर कर? अगर डरपोक होता तो पुलिस की नौकरी नहीं करता। अब आप वो बात बताइए जिसके लिए आपने मुझे फोन किया। चौधरी के घर और दफ्तर को तुमने कानून का कटघरा समझ रखा है? जब मुंह उठाया और चले आते हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम चौधरी खानदान की गुजरी कहानी को क्यों दोहरा रहे हो? हमारा खानदान किन रास्तों से गुजरा है, किन किन हालातों का सामना करना पड़ा है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, इन बातों से तुम्हें क्या मतलब? बात यह है कि बात कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना। बस तुम अपनी ये बेहुदा हरकत बंद कर दो। अगर तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की इज्जत पर कोई दाग लगा तो मैं तुम्हारी वर्दी पर इतने दाग लगा दूंगा कि कानून भी उसे धो नहीं पाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? ये ऊंची पहुंच वाले लोग हमें अपना गुलाम समझते हैं। जी तो चाहता है कि ऐसे लोगों को बीच बाजार में खड़ा करके गोली छोड़ा। अरे भाई, कानून ने आपको रिवॉल्वर दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गोलियों से उड़ाते फिरें। आइए आइए वकील साहब, आइए तशरीफ रखिए। अरे भाई, अश्विन की जमानत हो गई है, ये रहे पेपर्स, पढ़ लीजिए। वैसे जमानत के पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है वकील साहब, आपने केस लिया मतलब कि कामयाबी का सेहरा बांध दिया। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरी क्या औकात की। वकील साहब, ये तो हम जानते हैं कि आप क्या हैं, और खैर रमेश। यस सर। अश्विन को रिहा कर दो। ओके सर। अब आप ये बताइए कि आप किसे गोली से उड़ाने की बात कर रहे थे? छोड़िए करीम साहब, कानून ने हमारे हाथ बांध रखे हैं और जबान को छूट दे रखी है। कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन जबान चलाकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। वैसे किस पर भड़ास निकाल रहे थे? चौधरी हिकमत जावद जंग पर। क्यों, उन्होंने क्या कह दिया? कुछ पुराने केसेस पेंडिंग हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने चौधरी खानदान की गुजरी जिंदगी पर झांकने की कोशिश की, बस वो बौखला गए और मुझे उल्टी सीधी कह डाली। अब उनकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए चुप रहना पड़ता है। उसकी पहुंच है तो क्या, आपके पास आपकी वर्दी है, इसी वर्दी को तो उसने जलील किया है और आप खामोश हैं। मजबूरी है। आप चाहें तो इन मजबूरी की जंजीरों को करीम खान तोड़ सकता है। आप? जी हाँ, चौधरी हिकमत यावर जंग और उसका खानदान कितने रंगों में रंगा ये मैं जानता हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, लेकिन बड़े अब्बू को पसंद नहीं आएगी। क्यों, क्या कमी है इसमें? मैं जानता हूँ कि बड़े अब्बू अच्छी सी अच्छी चीज में नुक्ताचीनी करते हैं, उन्हें किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये तो उनकी खास बात है, वो सामने वाले को एहसास नहीं होने देता, जो कहना है वो कह देते हैं। वो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी सोच गलत है, और इस प्रेजेंटेशन में भी खामियां हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता नहीं है वो ऐसा कुछ करेंगे। इनफैक्ट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी प्रेजेंटेशन पर कि वो इसे लाइक भी करेंगे और इसकी तारीफ भी करेंगे। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो अलग बात है, लेकिन बड़े अब्बू को जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, शायद ही कोई जानता है। ठीक है, अगर मेरी सोच गलत निकली तो मैं फौरन नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी। अरे ज़ुबैदा, तुम तो सीरियस हो गई। बिजनेस में सब तो चलता रहता है, हर इंसान की सोच एक सी नहीं होती। मैं जो सोचती हूँ लोग उससे अपनी सोच बदल देते हैं। वाह ज़ुबैदा वाह, क्या बात है। अगर बड़े अब्बू के साथ ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मानना तो तुम्हें होगा था, यहाँ इसीलिए तो आई हूँ। बहुत खूब ज़ुबैदा, बहुत खूब। मेरी उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया है तुमने। वैसे ये काम इतना आसान नहीं था जिसे तुमने आसानी से हल कर दिया। बड़े अब्बू, इसमें आपको कोई खामी नजर नहीं आ रही? खामी तुम्हारी सोच में है साहब। इस प्रेजेंटेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ुबैदा में तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। अगर आपने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी तरह से कभी नहीं निभा पाती। ये तुम्हारी एक और खूबी है कि अपनी जीत का सेहरा दूसरे के सर पर डाल देती हो। ज़ुबैदा, एक बात पूछूं तुमसे? जी सर। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? वो इस दुनिया में नहीं रहे सर। जब मैं पैदा हुई तो अम्मी ने सर से आंचल हटा लिया। जब होश संभाला तो अब्बू ने दामन छोड़ दिया। सारी जिंदगी अपनी पेशानी पर यतीम का लेबल लगाकर जीती आई हूँ सर। I'm sorry, extremely sorry। ज़ुबैदा, तुम अपने आप को कभी तन्हा और यतीम मत समझना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी बेटी की तरह हो। एक्सक्यूज मी सर। ताज्जुब है बड़े अब्बू, मैंने आपका ये अंदाज पहले कभी नहीं देखा। बरकूदार चौधरी खुद को वक्त के सांचे में ढालना अच्छी तरह से जानता है। वक्त पड़ने पर चट्टान से ज्यादा मजबूत हो जाता है। वक्त पड़ने पर मोम से ज्यादा नाजुक बन जाता है। ताहा, इस लड़की को कभी मिसअंडरस्टैंड मत करना। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सुतून साबित होगी। वाह ज़ुबैदा, वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। जबकि मैं लोगों को पहचानने में कभी भूल नहीं करता, आज पहली बार जजमेंट फेल हो गई। हर आदमी की सोच अलग होती है, ये बात आप ही ने कही थी ना। जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचें चौधरी साहब भी वैसा ही सोचें। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े और तजुर्बे की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट सच कहूं आपकी सोच सही है। चौधरी साहब को तजुर्बा कम है। ए, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं सच्चाई से नहीं डरती। वैसे आपने ठीक ही कहा था, मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ खामियां थी और उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जिस कंपनी के लिए हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन वो खामियां सिर्फ आपने परखी, चौधरी साहब ने नहीं। तो अब आप ही फैसला कीजिए, तजुर्बा किसे ज्यादा है, आपको या चौधरी साहब को। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ। समझ में नहीं आता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। मैं गलत बात तो करती ही नहीं। हाँ, ये बात और है कि मौका देखकर बात करती हूँ। जो समझदार है वो समझ जाता है, और अगर समझदार नहीं हुआ तो उलझ के रह जाएगा, समझे? ओफो, छोड़ो इन बातों को। मैं तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तुमने बड़े अब्बू का दिल जीत लिया, जबकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस पोस्ट पे कोई लड़की आए। जानती हूँ, आपने मुझे मौका नहीं दिया बल्कि अपने बड़े अब्बू को चैलेंज किया, और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी जुबान को कायम रखूं। और ये तुमने कर दिया। यू नो ज़ुबैदा, मैं आज बहुत खुश हूं। अब मैं बड़े अब्बू के सामने सर उठा के बात कर सकता हूं। तुम अपने बड़े अब्बू के सामने सर उठाकर बात तो कर लोगे, लेकिन एक दिन मैं सारे खानदान का सर अपने सामने ना झुका दूं तो मेरा नाम भी ज़ुबैदा नहीं। हमने तो अच्छा अच्छा की बोलती बंद कर दी, फिर ये किस खेल की मूली है। आहा। फोन तो अब हमको उठाना ही पड़ेगा, शायद कोई जरूरतमंद इंसान होगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप वो कौन चाहिए वो बोलिए। सोहेल साहब। हाँ मैं सोहेल साहब बोल रहा हूँ, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब, मैं मोहिन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो मोहिन। भाई साहब दरअसल बात यह थी कि वो आपकी पार्टी में एक लड़की आई थी ना, क्या नाम था उसका, हाँ बाबरा। हाँ हाँ हमने देखा उसे। वो दरअसल मुझे उसका पता चाहिए था। क्यों नहीं, तुम्हें पता मिलेगा। लिखो, हैरान गली फदेशान रोड भूकामोला रूम नंबर 420। शट अप। बदतमीज। माफ कीजिए सोहेल भाई साहब, वो क्या है ना, मेरे मामू है ना, वो उन्हें चाहिए था। वो एक्चुअली वो भी बाबरा के मामू लगते हैं, इसीलिए। सोहेल भाई आप हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसने वाली तो बात है। अरे मैं सोहेल साहब नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्यारे मियाँ बोल रहा हूँ, सोहेल साहब के घर का केयर टेकर। तुम मेरे साथ ये मजाक कर रहे थे? ठीक है, तभी सोहेल भाई साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। क्या कहेंगे कि आपने बाबरा मैम साहब का पता मांगने के लिए फोन किया और मैंने आपसे मजाक कर दिया? हाँ मैं वो फिर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो मैं फोन रख रहा हूँ। अरे बाबा जिस काम के लिए फोन किए थे उसका क्या होगा? मैं पता कहीं और से निकाल लूंगा। नामुमकिन, मैं पता निकाल के दे सकता हूँ, अगर बदले में इनाम मिले तो। इनाम मिल जाएगा तो आपको भी पता मिल जाएगा जानी। पहले खांसी ठीक कर लो, फिर राजकुमार बनना। अच्छा मैं बाद में फोन करूंगा बाबरा के पते के लिए, ठीक है? एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये सिलसिला बहुत अच्छा है, इन्हें प्यार मिलेगा और मुझे दिल का करार। लाए खुश हुआ।